अबे आपके 18 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके क्या करना है, ऐसे आपको दो पोस्टर बनाने, ध्वजान विधि के लिए ये आएगा 5, ये आएगा 9, मैंने ऊपर लिखा है 1 नंबर, तो यहाँ भी आपके 5, 8, 7, 6 और 4 को लिखते हैं हम 12, और यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, वही 5, 8, 7, 6 और 4। अब यहाँ तो हमने सिंपल नंबर ही लिया जो दिया हुआ है, और यहाँ लेंगे हम विनोकुलम। विनोकुलम मतलब विनोकुलम किसका, जो आपके ऊपर ध्वजांक में उसका, तो गुणसांक है केवल इसका ही, हमें जो ऊपर संख्या है उसका ही लेना है आपको। तो 9, अब जो 10 में से घटाएंगे 9 कितना आएगा 1, मैंने माइनस किया है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके ऊपर 9 भी आएगी, मैंने घटाया 10 में से इसलिए। और हमेशा मुख्यांक से कभी भी मुख्यांक को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ये 5 तो है ही आपके, उसके ऊपर पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 6 और 1। अब ये गुणसांक और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको पूरा मान लो 60, बस 1 गया हो जाएगा गुणसांक, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, इसका है आपके माइनस। सबसे पहले ये वाला 5 में 5 का भाग देंगे, भाग जाएगा आपके भागफल, कोशेंट आएगा 1 और शेषफल आएगा आपके 0, भाग गया एक बार और पीछे बच गया है आपके 0। दूसरा 0, 8 में से इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का गुणा, 9 एकम 9, तो 8 में से 9 गया पीछे बच गया माइनस का, तो दोनों प्रक्रियाएं क्या हो जाएगी आपके कैंसिल। तो वापस से फर्स्ट करें क्योंकि प्रक्रिया कैंसिल कर दे सकते हो, हमने दोनों प्रक्रियाओं को हटाया। अब आपके वापस से करेंगे 5 में 5 का भाग वापस से लेंगे, तो भागफल कितना आएगा आपके 0 इस बार, इससे 1 कम, और शेषफल क्या आएगा, हमने भाग 0 बार दिया है तो पूरा शेषफल मतलब 5, तो ये कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके 5। अब वही घटाना है, 58 में से माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, 58 में से 0 गया कितना आएगा आपके 58। अब 58 में भाग देंगे किसका, 5 का भाग दो, तो भागफल कितना आएगा आपके, भागफल कभी भी 10 से ज्यादा नहीं, हाँ 9 से ज्यादा नहीं, 9 तक लिख सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपके भागफल तो आएगा 9 और शेषफल आ जाएगा आपके, जैसे 9 5 45 होता है, ये 58 है, 13 का अंतर, 13 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आ जाएगा आपके 13, 13 ये और 7 ये कितना हो गया 137। भाग के आप घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इन दोनों का गुणा, माइनस करेंगे 9 × 9, 137 में से घटाएंगे 81, ये आएगा 6 और 13 में से 8 गए 5, यहाँ तो आएगा 6 और 1 गुणा 5 पर देखो घटाया, और घटाने पर उत्तर किसमें आया है आपके, प्लस में आया, तो सही है। अब आगे आपके 56 में भाग देंगे हम किसका, 5 का, वही भागफल कितना है आपके 9 और शेष पर कितना है आपके 9 5 45, तो पीछे बच गए 11, भाग गए 9 बार और पीछे बच गए आपके 11। अब वापस से ऊपर है 116 में माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, 116 में से घटाएंगे इन दोनों का गुणा, यानी 81 घटाएंगे, 9 9 81, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 8 गया 3। अब है आपके 35 में हम भाग देंगे किसका, 5 का, तो भागफल कितना है 7 और शेषफल कितना है आपके 0। आपके 0। अब 0 4 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 0 4 में से, इन दोनों का गुणा, 9 × 7 का गुणा,
तो चार में से घटाएंगे हम 977 घटाएंगे तो पीछे आएगा आपके -259। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या करेंगे, कैंसिल से उत्तर किस में आ गया आपके माइनस में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, वापस से देंगे। 35 में भाग देंगे हम 5 का, भागफल कितना है आपके 6 और शेषफल कितना है आपके 5। भागफल तो है 6 और शेष कितना है 5। अब 54 में से माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, बताया आपके 0। तो बाकी कितना 99 और शेष कितना है आपके 0 है। इसमें बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल इजी। कैसे देखो, 5 में तो 6 का भाग जाएगा नहीं, तो सीधा क्या करेंगे 58 में भाग देंगे 6 का। तो भागफल कितना है आपके 9 और शेषफल कितना है आपके 4। 9 × 54 और ये 58 है, पीछे 4 बन गए। तो भागफल यहाँ पर और शेषफल यहाँ पर, क्योंकि हम दोनों को काम में लिया, या नहीं इसको ही काम में लिया था इसलिए यहाँ लिखा मिले पार, इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे। अब आपके ये हो गए 4 और 47 में से माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, मतलब 9 × -1। 47 में से माइनस करेंगे 9 × 9, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस हो गया। ये हो गया है आपके 56। अब 56 प्लस का ये 56 में भाग देंगे वापस इसका 6 का। अब आपके भागफल 9 और शेषफल कितना हो गया है आपके 9 × 54, कितने बच गया आपके 2। यहाँ तो आएगा 9 और यहाँ आएगा 2, ये हो गया 26। 26 में से माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, मतलब के 9 × -1। 26 में से माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9 और 26 और 9 कितने होते हैं आपके 26 ही बचा पीछे 2 और 26। 26 और 9 कितना हो गया आपके 35। ठीक होता है, बार गए 9 बार, कितने बच गया आपके 2। अब 35 में भाग देंगे हम 6 का, तो भाग कितनी बार जाएगा आपके 5 बार और शेष कितना बचेगा आपके 5। भाग गया 5 बार, कितने बच गया आपके 5 और 54 में से घटाएंगे। अब आगे आपके 54 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 54 में से, 54 में से माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, मतलब के 5 × -1। ये हो गया है आपके 54 + 5, कितना हो गया 59। तो ये हो गया आपके 59। तो 995 तो है आपके भागफल और शेषफल कितना है आपके 59। या आप ऐसे भी लिख सकते हो आपके ये वाला भागफल और शेषफल, और शेष कितना बता आपके 0। एक ही बात है, क्योंकि हम भागफल ले रहे हैं 59 का भाग ले रहे हैं, तो 59 से होता नहीं है। तो ये लिखो या 996 भागफल और शेषफल क्या लिखो आप 0, दोनों ही रहेंगे। पासबुक में आपकी ये दे रखा है पीछे, वो इस विधि से किया हुआ इसलिए दे रखा है। अगर आपने इस विधि से किया तो आपके पूरा पूरा भाग जाए, जैसा कैलकुलेटर से भी करोगे तो बार 996 बार पूरा पूरा जाता है, पीछे 0 ही बचता है। लेकिन अगर हम नए मेथड से करें, जो इस बुक्स में दे रखा है व्युत्क्रम का प्रयोग करते हुए करेंगे, तो फिर आपके ये आएगा सर ये भागफल आएगा और ये वाला क्या आएगा आपके शेषफल आएगा। अब पास के हिसाब से भी रहेंगे, उसके हिसाब से वो रहेंगे और वो भी देख लेंगे।